है घर के बाहर, उनके घर का घेराव करना था। तो उसी में कुछ जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो प्रोटेस्ट में आए थे, वही पहले मनीष सिसोदिया के घर के तरफ बढ़े और उनके गेट तक पहुंचे और उनके घर के अंदर तक घुस गए, बाहर नेम प्लेट थी वो तक तोड़ दी। वैसे अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये कुछ नहीं हुआ है, केवल घर के अंदर घुसे हैं, लेकिन अगर आप किसी के घर प्रोटेस्ट करते हैं मंत्री के घर पे, तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अचानक हुआ प्रोटेस्ट नहीं है, ये बाकायदा प्लान प्रोटेस्ट था, मीडिया को इन्विटेशन था 11:30 बजे के लिए। तो इसमें जो जिम्मेदारी थी पुलिस की वो ये थी कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के घर के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग की जाए, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी है वो घर के आसपास तक ना आ सके। लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आप बैरिकेडिंग तो छोड़िए, घर के आसपास छोड़िए, गेट खोलकर घर के अंदर तक प्रदर्शनकारी घुस गए। तो इसीलिए अब आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अमित शाह इस तरह से निपटवाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा हमला जो है अमित शाह पे कर रहे हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया है इस मामले में, लेकिन उनके ऊपर ट्रेसपासिंग की धारा लगाई गई है। ट्रेसपासिंग तो बहुत एक छोटी चीज होती है, हमें एक बड़ा संदर्भ समझना चाहिए कि अगर इस तरह से किसी और राज्य में हुआ होता कि वहां पर मंत्री के घर के अंदर लोग प्रदर्शन करते घुस जाए, तो हमें सोचना चाहिए कि इस समय क्या हो चुका होता, बहुत से लोग सस्पेंड हो चुके होते। लेकिन दिल्ली में हमने देखा है कि ये मामला तो छोड़ दीजिए, इससे पहले मुख्यमंत्री तक पे इसने स्याही फेंकी, ये हमला हुआ तो कुछ खास नहीं होता है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो है हमलावर है बीजेपी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, गृहमंत्री के ऊपर। सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर परिवार वालों पे हमला करवाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह जी के पास अपनी पुलिस है, जिसको क्लियर इंस्ट्रक्शन है, अगर आप इन वीडियोस को देखिए, कि वो गुंडे बढ़ते जा रहे हैं घर के पास और पुलिस के अफसर टहलते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। याद रखिए, ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बैरिकेड से एक व्यक्ति को नहीं पार होने दिया, एक एमएलए को नहीं पार होने दिया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो अगर दिल्ली पुलिस इन भाजपा के गुंडों को रोकना चाहती तो रोक सकती थी। जब ये गुंडे गेट पे पहुंचे, और ये वीडियो हम आपसे शेयर भी करेंगे, आप उसे ध्यान से देखिएगा, तो पुलिस वाले साइड हो गए कि जाइए घर के अंदर जाइए। वो तो जो डिप्टी सीएम का कैंप ऑफिस है, आखिरकार उसके अफसर बाहर निकल कर आए और उन्होंने वहां से लोगों को रोका, रास्ता रोका और उन्हें बाहर भेजा। वहां पे जो सिविल डिफेंस का स्टाफ था उन्होंने वापस भेजा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन था, अमित शाह जी द्वारा दिया गया प्रोटेक्शन था, क्योंकि उन्होंने ही गुंडों को भेजा और उन्होंने ही पुलिस को आदेश दिया कि उप मुख्यमंत्री के परिवार पर हमला होना चाहिए। ये दिल्ली की राजनीति के लिए एक काला दिन है। हर प्रकार की पॉलिटिकल डिफरेंसेस किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, सब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, भाषण देती हैं, उनकी नीतियों पे सवाल उठाती हैं। हम भी चुनाव लड़ते हैं, हम जब एनसीडी में चुनाव लड़ते हैं तो वहां पे रूलिंग गवर्नमेंट पे सवाल पूछते हैं। जब अभी फरवरी में चुनाव हुआ तो हमारी सरकार की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए गए, और वो एक लोकतंत्र में होना भी चाहिए। लेकिन आज दिल्ली की राजनीति में एक काला दिन है कि इन पॉलिटिकल डिफरेंसेस को लेकर आज मुख्यमंत्री के परिवार पर अमित शाह हमला करवा रहे हैं, और दिल्ली वालों को ये सब दिख रहा है। दिल्ली वालों ने देखा है कि किस तरह से 2020 के चुनाव से पहले किस घटियागिरी से भाजपा ने चुनाव लड़ा था, कि किस तरह से भाजपा के नेता रोज गाली गलौज करते थे, तरह तरह के हमले करवाए जाते थे, जो आज इस हमले के बाद दिख रहा है कि जिस तरह से अमित शाह जी ने इस हमले को प्रायोजित किया है, पुराने हमले भी अमित शाह जी द्वारा ही प्रायोजित किए। आम आदमी पार्टी के